हिंदुस्तान की प्रथम दुकान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कोने कोने में ब्रांच खोल रखी है। तो मैं खड़ा हूँ अभी भीमपुर पर और यहाँ से दिखाई देता है सरस्वती रिवर का उद्गम। ये देखो जी रास्ता कितना खतरनाक है, ऐसे ऐसे मोड़ भी आएंगे, बर्फ पूरा पत्थर बर्फ का है ऊपर से लेकर। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका एक और दिन में। तो कल रात शाम के 7 बज गए थे और सुबह 6 बजे से मैं बाइक चला रहा था, जिस वजह से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं आ गया था यहाँ गोविंद घाट और अब हम शुरू करेंगे अपनी यात्रा आज की। और इधर आए थे जी सब ने सुनिया, यहाँ से निकलूँगा बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद जाऊँगा माणा। माणा जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, उसके बाद हो जाता है चाइना बॉर्डर शुरू, यानी कि इंडो चाइनीज बॉर्डर पर स्थित है वो माणा, हमारे इंडिया का लास्ट विलेज है। उसे भी देख के आएंगे, उसे भी एक्सप्लोर करके आएंगे, अब देखेंगे कैसे लोग रहते हैं, कैसे सारी चीज़ें, सभी चीज़ें इसी वीडियो में मिल जाएंगी आपको। हाँ जी, तो अभी केवल और केवल 20 किलोमीटर रह गया है, हमने 5 किलोमीटर कवर कर लिया है। और जो ये रास्ता आप दिखाई दे रहा है, ये पिछले साल ये वाला रास्ता नहीं था, ये बनाया गया है इसी साल, और जो कि काफ़ी सुविधाजनक हो गया है क्योंकि 3-4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जो कि लैंडस्लाइड में हर बार खराब हो जाता है और हर बार बनाया जाता है। और अभी भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं ड्रिलिंग चल रही है। तो अब बाकी इस समय जो है ना, इस बार अलकनंदा रिवर का पानी इतना मटमैला नहीं है क्योंकि इस बार बारिश नहीं पड़ी है 1 हफ्ते से, और यात्रा बढ़िया से हो जाएगी अपनी, तो ये है फायदा बारिश ना होने का। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बाइक गाजियाबाद से लेकर अब तक ये चल चुकी है 650 से ज़्यादा, और इसकी हालत ऐसी हो गई है कि सर्विस मांग रही है, इसे सर्विस करानी पड़ेगी, अगर नहीं मांगेगी तो भी मैं कराता इसकी सर्विस, क्योंकि 600 अभी ये चल गई है, देखो 6 तो चल गई है, 600 अभी और चलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ आ गया यहीं रहूँगा, यहाँ से वापसी भी जाना है, 600 किलोमीटर चल जाएगी तो 1200 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद भी कराऊंगा रगड़ के सर्विस, इसमें ऑयल चेंज करवाऊंगा, इसके ब्रेक टाइट करवाऊंगा, सारी मरम्मत करवानी है। इसी बेचारे की हालत ख़राब कर दी मैंने, 100 cc की बाइक यहाँ तक है चलाया बॉर्डर तक। यहाँ तो मैं यहाँ चाय रुक पीने के लिए रुका था, और इन्होंने बताया कि सबसे पहले बद्रीनाथ जाने की बजाय मैं माणा चला दूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बद्रीनाथ में अभी जो है लाइन लगी होगी दर्शन के लिए और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगी इस समय पर, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 15 किलोमीटर रह गया है और मैं आराम से पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा एक काम करो, पहले जाओ माणा घूम जाओ, माणा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का आखिरी गाँव है और आइकॉनिक गाँव है, जाके देख कर आओ। तो हम लोग चलते हैं वहाँ घूम के आएंगे, माणा देख कर आएंगे, माणा में कोच कैसे लोग रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे देखेंगे। उस तो मैं कह रहा था कि 15 किलोमीटर रह गया, लेकिन यहाँ बोर्ड पर देखोगे ना तो मात्र 11 किलोमीटर रह गया है बद्री विशाल, और माणा रह गया है 15 किलोमीटर। तो पहले माणा जाएंगे, हमें चलानी है मात्र 15 किलोमीटर, और अगर बद्रीनाथ जाना है तो 11 किलोमीटर रहेगा, 11 किलोमीटर से 4 किलोमीटर आगे है माणा, ठीक है।
तो हम जाएंगे माणा। और व्यू देखो पीछे का नज़ारे देखो यार, धूप निकल रही है, पीछे का नज़ारे देखो, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। अपनी बाइक हमने रोकी है क्योंकि हमें ये साइन बोर्ड दिखा कि मात्र 11 किलोमीटर रह गया है, और उसके पीछे हमें वो पहाड़ दिखे, माउंटेन दिखे हमें, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। और आज मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा आप देख रहे होंगे क्योंकि मेरी एनर्जी वापस आ चुकी है, मैं सो लिया हूँ रात भर आराम से। अब चलते हैं आगे की ओर। देखो कभी कभी जो ना हिम्मत टूटनी होती है ना, तो मैं ये वाला जब ये जेपी ग्रुप का लिखा होता है, नो ड्रीम टू बिग, कोई सपना बड़ा नहीं होता, जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना तो अंदर से वो आ जाती है, क्या बोले, अंदर से जोश उठता है और कुछ करने का फिर मन करता है, और फिर निकल चलते हैं आगे की ओर। बस मन में ये ठान लो कि कोई सपना बड़ा नहीं है, सब सपने पूरे हो जाते हैं, चाहे वो मेरा जैसा सपना है कि बद्री विशाल आ गया मैं दोबारा, वो मेरा सपना है कि मैं अब आखिरी गांव होकर आऊँगा इंडिया के, जैसे मेरा सपना है कि मैं पूरा इंडिया कवर करूँ, वो भी मेरा पूरा होगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ, भाई पूरा इंडिया टूर करेगा, क्योंकि सपोर्ट चाहिए भाई को। देखो जी रास्ता कितना खतरनाक है, ऐसे ऐसे मोड़ भी आएंगे और ऐसे ऐसे दौर भी आएंगे, बट आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये रास्ता बहुत ख़राब आ गया बीच में, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाइक चलने में बड़ी दिक्कत कर रही है। देखो जी आपका चेक पॉइंट पड़ेगा, चेक पॉइंट के बाद जो है आपके रास्ते अलग हो जाते हैं, सीधे चले जाएंगे बद्रीनाथ के लिए, और माणा गांव जाना है तो इधर से निकल जाएंगे, और हमें जाना है माणा, हम आएंगे बाद में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, तो पहले चलते हैं माणा की ओर। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है गाँव। नमस्कार जी, स्वागत है आपका भारत के अंतिम गांव में, या कहें भारत का प्रथम गांव। फाइनली भारत का प्रथम गांव ही देख लिया, अब अंदर चलते हैं, अब यहाँ आए हैं कुछ योगदान करके जाएंगे। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं और प्रथम गांव में आ रहे हैं भारत के माणा में, तो अपना कुछ योगदान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ खाइए कुछ खरीदिए, जिससे क्या होगा कि इन लोगों को थोड़ी सी सहायता होगी, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ और इनकम का वो नहीं है सोर्स, तो हम लोग एज ए टूरिस्ट हम लोग जो आते हैं वही लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएँ तो एक बार अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। हम यहाँ पर मैगी खाएंगे कुछ खड़ा खाएंगे, तब जाकर हमारा कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा इसमें। एंड मैं यहाँ तक आया हूं। कुछ भी कहो, आप ये खूबसूरती देखो, क्या खूबसूरती है पहाड़ों में, इसी खूबसूरती को देख कर खींचे चले जाते हैं बहुत से लोग। तो चलो अब चलते हैं गाँव के अंदर, देखते हैं कैसा नज़ारा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कोने कोने में ब्रांच खोल रखी है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। मैं तो बाहर से देखकर सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए होंगे, लेकिन ये भीड़ देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं। लगभग जो बद्रीनाथ आते हैं वो लोग, उसमें से 80% लोगों को पता है कि माणा भी जाना चाहिए। यहाँ पर आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको वुलन, आपको कपड़े देखने मिल जाएंगे, सोल देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है पहाड़ों की, वो ये है कि यहाँ पर यार नेचुरल वाटर अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पर बिस्लेरी ने अपनी जगह जगह बोतलें फैला रखी हैं, और कुछ लोग इरिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लोग सही तरीके से बोतलों को लेते हैं फिर फेंक देते हैं कहीं भी, जिससे क्या होता है पहाड़ों पर भी कचरा फैलता। फिर ये लोग कहते हैं कि सेव माउंटेंस, माउंटेंस आर कॉलिंग, बस वही चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं। जितनी ये भीड़ आई है ना, इसमें से मैं आपको दिखाऊंगा अभी कचरा कहाँ कहाँ आपको कचरा देखने को मिल जाएगा। इवन तो बहुत सी नदियों में मैंने कचरा देखा हुआ है, लेकिन वो बात छोड़ो, खैर गांव की खूबसूरती को लेते हैं। और जो भीड़ आई है वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको पिट्ठू भी मिल जाएंगे, क्योंकि गांव जो है थोड़ा पहाड़ी गाँव है, तो ऊँचा नीचा हो सकता है। अगर आप पे चलाने जाते तो आप पिट्ठू ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है रिवर सरस्वती, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं ना, तो सरस्वती नदी आपने आज तक नहीं देखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अलकनंदा नदी से मिल रही है, संगम कर रही है माणा गांव ख़त्म होने के बाद। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं गांव में, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं आपको और हमें देखने के लिए मिलेंगी। हल्की सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पहाड़ पर आओगे तो आते रहना। जब आप गांव के अंदर आते हैं ना, तो आपको एक तरीके से काइंड ऑफ गांव लगता नहीं है, ये एक तरीके से आपको मार्केट लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उन्होंने अपना रोज़गार चलाने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर इवन जो है आपको एक रात रोकने के लिए भी आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएंगे, जिनमें आप रुक सकते हैं। आप चाहे तो टेंट में रुक सकते हैं, टेंट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इवन जो है आप यहाँ के इनके छोटे छोटे इन्होंने अपने ही घरों के अंदर, अपने घरों में एक एक कमरे के जो होम स्टे बनाए हुए हैं वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। बाकी अगर आपके साथ में कोई बूढ़े आए हैं, बड़े बूढ़े लोग आए हैं, तो आप उनको इस तरीके से पिट्ठू में भी बैठा कर घुमा सकते हैं, गांव दिखा सकते हैं। जब देख तो मैं खड़ा हूँ अभी भीम पुल पर, और यहाँ से दिखाई देता है सरस्वती रिवर का उद्गम, यहाँ से स्टार्ट होती है और माणा गाँव के ख़त्म होने के बाद ही ये अलकनंदा रिवर में मिल जाती है। यहाँ से शुरू होकर यहीं पर समाप्ति हो जाती है, यहाँ पे लुप्त हो जाती है और फिर अलकनंदा रिवर कहलाती है। अगर आप भी आ रहे हैं बद्रीनाथ और देखना चाहते हैं सरस्वती रिवर का, जैसे कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, अगर सरस्वती रिवर का आपने आज तक उद्गम नहीं देखा है तो माणा गाँव आइए, माणा गाँव आने के बाद भीम पुल पर आइए, यहाँ से आपको दिखाई दिया जाएगा सरस्वती नदी का उद्गम। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, और ये है भीम पुल के पास जहाँ से मैंने दिखा दिया आपको, आप देख सकते हैं उद्गम सरस्वती रिवर का। सरस्वती रिवर यहाँ से नीचे से होते हुए वो जारी सामने, और जहाँ ये माणा गांव शुरू हो रहा है, या फिर कहें जहाँ माणा गांव का बॉर्डर है, वहाँ से ये अलकनंदा रिवर में मिलके अलकनंदा रिवर कहलाती है। तो देखिए, अगर आप सरस्वती नदी का पानी लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं, ये आपको 25 रुपये से 50 रुपये तक की बोतल आपको मिल जाती है। माणा गांव से पहले ये पड़ेगा एक वाटरफॉल, और अगर आपको नहाने की इच्छा हो रही हो, 3-4 दिन से नहीं नहाए हो मेरी तरह, तो इस वाले वाटरफॉल में नहा सकते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ भी धोते हैं यहाँ पे, कुछ लोग नहाते भी हैं, अगर नहाने का मन कर रहे तो नहा सकते हो। जैसे मैं 3 दिन से नहीं नहाया, मेरा मन कर रहा नहाने का, लेकिन नहाऊंगा नहीं मैं आगे जाके नहाऊंगा बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद, क्योंकि अगर ठंड लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना। देखो दोस्तों, बर्फ का पत्थर दिखाऊं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, ये ठोस बर्फ है और ये वाटरफॉल है ऊपर से, अभी तक पिघला नहीं है पत्थर, इतनी ज्यादा ठंड है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा अभी, और यहीं पे पास में वाटरफॉल, अगर आपको नहाने का मन कर रहा हो तो नहा लेना, और साबुन नहीं है तो बर्फ रगड़ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ही मेरा ये वाला सफर खत्म होता है माणा के, मैंने जो है घूम लिया, देख लिया माणा गांव किस तरीके का है, आपको भी मैंने कुछ दिखा दिया माणा गांव का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड
दूसरी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा या फिर चैनल पर आप जाकर हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं, ये है हमारी सेल्फी, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।